तोड़ में खाज। इस उक्ति का जिक्र मैंने आपसे इसलिए किया कि हरियाणा की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में इस समय कोड़ में खाज वाली समस्या आ गई है। सर, मैं मसाज का काम करता था, तो मैं इसके पास आया था, तो एक नाई ने इसको मेरे पास भेजा था इसने मसाज के लिए। उसके दौरान ये मेरे को इसने पब्लिक हेल्थ में डीसी रेट पर लगा दिया। उसके बाद मैं कौशल में लगा दिया। कौशल में लगने के बाद फिर इसने सर मेरे को कहता प्राइवेट, इसमें मेरे को खारिश आती है, मैं इसको थोड़ा सा वो करो प्राइवेट पार्ट पे। हाँ जी, प्राइवेट पार्ट पे। चलो सर, मैंने कपड़ा ढके कर दिया था। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। कोड़ में खाज वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। कोड़ में खाज कहावत उपयुक्त की जाती है या उपयोग की जाती है उस स्थिति में जब किसी व्यक्ति पर एक के बाद एक समस्याएं आने लग जाएं, परेशानी आने लग जाएं। कोड़ में खाज का मतलब ये हुआ करता है, जो इसको उक्ति को कहा जाता है, कि किसी को पहले कहीं पर कोई चरम रोग हो जाए जिसको कोड़ कहते हैं और उसके ऊपर से खारिश खुजली हो जाए। कोड़ में खाज, इस उक्ति का जिक्र मैंने आपसे इसलिए किया कि हरियाणा की पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था में इस समय कोड़ में खाज वाली समस्या आ गई है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के एक प्रमोटी आईपीएस अधिकारी पर पिछले कई दिनों से, लगभग 10-12 दिन से आरोप चल रहा है। मामला यह है कि उन्हीं के विभाग की महिला पुलिस कर्मचारियों का एक कथित शिकायत पत्र वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, और उसमें आरोप लगाए गए आईपीएस अधिकारी पर, इसके साथ आरोप लगे महिला एसएचओ पर, महिला डीएसपी पर। अगले वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा इस सारी घटना का भी। पहले भी हमने कई आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं इस मामले को लेकर के, और उस सारे मामले की हरियाणा की पुलिस एडीजीपी रैंक पर एसआईटी बनी हुई है, वो जांच कर रही है। हरियाणा महिला आयोग उसकी जांच कर रहा है। अभी ये मामला चल ही रहा था कि हरियाणा के प्रशासनिक अधिकारी, एचसीएस अधिकारी हैं, हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी, उन पर आरोप लग गया है लड़केबाजी का। बहुत गंभीर बात है दोस्तों। जिन पर सुरक्षा का जिम्मा हो, जिन पर न्याय का जिम्मा हो, अगर उन पर आरोप लगते हैं तो फिर पीड़ा होती है, टीस उठती है। आरोप लगा है हरियाणा सिविल सर्विस के अधिकारी, जो आजकल कार्यरत हैं बतौर एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उपमंडलाधीश, यानी कि जो एसडीओ सिविल होने पर तो उपमंडल अधिकारी नागरिक होते हैं, और जब वो सब डिविजन मजिस्ट्रेट होते हैं तो फिर वो जज की कैटेगरी में होते हैं, न्यायाधीश की कुर्सी पर भी होते हैं। एचसीएस अधिकारी का नाम है कुलभूषण बंसल, आजकल हांसी में कार्यरत है बतौर एसडीएम। इससे पहले जिला परिषद के अंदर थे और डीआरडीए में थे। उन पर जो आरोप लगाया है, वो लगाने वाला भी सरकारी कर्मचारी है, हरियाणा कौशल विकास निगम के तहत वो नौकरी में कार्यरत हैं। शिकायतकर्ता ने अपना जो आरोप लगाया है, और एक हरियाणा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर के उन्होंने हरियाणा तक से अपनी बातचीत भी की है, और सीधे कहा है कि पहले मैंने ही वो जो क्लिप वायरल की, यानी कि एक छोटी सी क्लिप है, वीडियो क्लिप और फोटोज हैं, वो वायरल किए, और खुद वो सामने आकर के उन्होंने बताया। शिकायतकर्ता ने मामले की जो शिकायत की है वो मानवाधिकार आयोग में की है, एससी कमीशन में की है, हरियाणा पुलिस के डीजीपी को की है, हरियाणा के मुख्यमंत्री को भेजी है, इसके साथ साथ हिसार हांसी की जो पुलिस है उनको भी भेजी है। शिकायतकर्ता कहता है कि मैं मसाज का काम करता था 2020 में। मसाज का काम करने के दौरान एक व्यक्ति के मार्फत मैं मिला, जो आजकल के एसडीएम है कुलभूषण जी, कुलभूषण बंसल, उनसे मिला, और उस समय वो कार्यरत थे बतौर डीआरडीए जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी सीईओ के तौर पर फतेहाबाद में। फतेहाबाद में ही उनकी मुलाकात हुई थी शिकायतकर्ता की। शिकायतकर्ता कहता है कि जो दोषी, जिनको बताया गया है, जिन एससीएस अधिकारी को वो अपने पास बुलाते थे मसाज के लिए, मसाज कराते थे, लगभग 7-8 महीने पहले या लगभग 1 साल पहले, शिकायतकर्ता कहता है कि आरोपी ने उनको अपने बुलाया मसाज करने के लिए और न्यूड हो गए उसके अंदर। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मेरे प्राइवेट पार्ट को क्यों, वहाँ खारिश है, वहाँ पर मसाज करें।
शिकायतकर्ता ने अपनी चिट्ठी में काफी कुछ लिखा है, जो चिट्ठी भेजी है, चिट्ठी का मजमून कुछ इस प्रकार है, आप सुनिए इसमें। मैं फतेहाबाद जिले का स्थायी निवासी हूँ। मैं करीब 2020 से मसाज का काम करता हूँ। उपरोक्त दोषी उस समय फतेहाबाद में कार्यरत था। दोषी ने किसी के मार्फत मुझे मसाज के लिए बुलाया और मेरी हर मसाज का 200 रुपए दिहाड़ी के तौर पर देता था। उपरोक्त दोषी काफी मजबूत व्यक्ति है और कानून की परवाह नहीं करता है। उपरोक्त दोषी ने मुझे लगभग 6 महीने पहले मसाज पर बुलाया और दोषी ने अपने प्राइवेट पार्ट पर खारिज की भावना प्रकट करते हुए मसाज करने को कहा। जब मैंने ऐसा करने के लिए मना किया तो फिर पिस्तौल निकालकर मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। मैं तन बदन से पसीने से लथपथ होकर उसकी बातों में आकर उसकी प्राइवेट पार्ट की मसाज की। आरोपी ने मुझे जान से मारने की धमकी देकर ओरल सेक्स के लिए मजबूर किया और ओरल सेक्स कराया। दोषी ने मुझे ठेकेदारी प्रथा पर सफाई कर्मचारी के काम पर लगवाया था। अब मैं पब्लिक हेल्थ में कौशल विकास विभाग द्वारा कार्यरत हूँ। तो शिकायतकर्ता ने अपनी जो चिट्ठी भेजी है, आप उसको अगर पढ़े तो आपकी आंखें शर्म से झुक सकती हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि जो HCS अधिकारी हैं, उन्होंने रिवाल्वर निकाल करके जान से मारने की धमकी दे करके, नौकरी से हटाने की धमकी दे करके उनके साथ वो कृतकृत्य किया, गलत काम किया। शिकायतकर्ता का ये भी कहना है कि वो अपने मसाज का काम करता था और जो दोषी अधिकारी हैं उन्होंने ही उसको नौकरी में लगवाया, पहले पब्लिक हेल्थ में और अब बाद में हरियाणा कौशल निगम के तहत वो कार्यरत है बतौर स्वीपर। शिकायतकर्ता के जो आरोप हैं बड़े संगीन हैं, शिकायतकर्ता के जो आरोप हैं बड़े गंभीर हैं और आरोप भी उन पर हैं जिन पर न्याय का दायित्व है। मैंने इसलिए आपसे कहा था वीडियो को शुरू करते हुए कोड में खाज वाली बात, नई नई हरियाणा के अंदर सरकार बनी है और सरकार बनने के साथ ही ऐसे मामले सामने आने लगे हैं जिससे कहीं ना कहीं सर शर्म से झुकता है। इस सारे मामले को लेकर के जो शिकायत करता है उनका तो मैंने बताया, हमारा तो संपर्क उनसे नहीं हो पाया, लेकिन आप देख भी सकते हैं कि उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, मैंने आपको बताया कि अपना बयान दर्ज कराया है पूरा, और चिट्ठी जो वायरल हो रही है वो चिट्ठी के साथ ये भी दिखाया हमने आपको कि जो पत्र लिखा है उन्होंने मानवाधिकार आयोग को और सभी प्लेटफॉर्म्स पर, और न्याय की मांग की है, न्याय की मांग की है। शिकायतकर्ता ने किसी प्रेशर में बात कही है, उसने जो क्लिप बनाया है, वीडियो बनाया है, वो किस आधार पर बनाया था, सारा पीछे कारण क्या है, लेकिन जो प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है वो आरोप बहुत गंभीर है। इस मामले पर बात करने के लिए हमने जो हांसी के जिन पर आरोप लगाया HCS अधिकारी पर, SDM साहब पर, उनका पक्ष जानने के लिए हमने उनको कॉल भी किया, उनसे बात करने की कोशिश भी की। पहले हमने हिसार के DC साहब के कार्यालय पर 016-63-250-474 इस नंबर पर फोन मिलाया। जब वहां से SDM साहब का नंबर लिया, SDM साहब के नंबर 9896267488 9896267488 इस पर दो बार कॉल करके SDM साहब का पक्ष भी जानने का प्रयास किया, लेकिन उनका फोन दोनों बार नो रिप्लाई गया। अब गंभीर बात यह है दोस्तों कि इस प्रकार के आरोप जो मैंने आपको बताया कि मानवता को शर्मसार करते हैं, इस प्रकार के आरोप जब सामने आते हैं तो कहीं सर शर्म से झुकता है और इस प्रकार के आरोपों से कहीं ना कहीं सरकार भी असहज होती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या इस मामले के अंदर कोई मनगढ़ंत कहानी है या कोई सच्चाई है? आपको क्या लगता है जो पीड़ित व्यक्ति सामने आकर के बात कह रहा है वो इसके अंदर कितना उसका शोषण हुआ होगा, और आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं कहीं क्या वो प्रशासन पर सवालिया निशान लगाती हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।